Hello everyone, this is Rajkumar Dhakhar. Welcome to my Raj Agriculture Education Channel. दोस्तों स्वागत है आपका. आज मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ. आज इसमें रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जो क्वेश्चंस में से कुछ न कुछ क्वेश्चंस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर REHO, REO और ADA में पूछे जाएंगे. दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे. दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पर. हमारा पहला क्वेश्चन है कि बीबीपीडी इज फाउंड इन किस में पाई जाती है. तो दोस्तों ग्रेप फ्रूट, जैक फ्रूट, कोकोआ सभी में पाई जाती है. बी फॉर ऑब्जर्व्ड इन. तो दोस्तों ये तीनों एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने जान पूछ के ये तीनों एग्जांपल रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू इज ओरिजिन ऑफ. तो पेरू गोवा का ओरिजिन है. बेर का ओरिजिन चाइना है. चाइना नहीं होता तो इसको इंडिया भी इसका ओरिजिन है. मैंगो का इंडो बर्मा है. आमला का इंडो चाइना है. विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची. दोस्तों लीची का लीडिंग प्रोड्यूसर बिहार है, इसको याद रखिए. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इज उत्तर प्रदेश, इसको याद रखिए. दोस्तों उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और मैंगो का एरिया और उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही है. स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो. दोस्तों चौसा इज द स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो. लंगरा इज द फेमस वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया. अल्फांसो इज द एक्सपोर्ट वैरायटी. अल्फांसो की दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है. स्पॉन्जी टिश्यू एक मैंगो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है. बंगनापल्ली इज ए फेमस वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश. टंग ग्राफ्टर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म. सुनो दोस्तों समझने की कोशिश करो, मॉडिफाइड फॉर्म इज फॉर्म क्या है टंग ग्राफ्टर. तो दोस्तों ये बिप ग्राफ्टिंग है. हैन एंड चिकन अ डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व इन. दोस्तों हैन एंड चिकन, तो ये दोस्तों जैसे ग्रेप्स का वंश देखा होगा, उस बंच में बड़ी बड़ी बेरियों के बीच में छोटे छोटे फल जो रह जाते हैं, उस डिसऑर्डर को हैन एंड चिकन डिसऑर्डर बोलते हैं. तो इसका आंसर है ग्रेप. मैंगो डिसऑर्डर है मैंगो माल फॉर्मेशन. ये दो तरह का होता है, वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्टिव माल फॉर्मेशन. वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव मतलब फ्लावरिंग स्टेज पर देखा जाता है. जो फ्लावर्स जो होते हैं वो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव माल फॉर्मेशन नर्सरी स्टेज में देखा जाता है. बस्टिंग जो लीची का डिसऑर्डर है. बनाना का नीर बजाही, कोटा बजाही एंड थ्रोट चॉक, ये तीन बनाना के डिसऑर्डर हैं. नीर बजाही, कोटा बजाही, नीर बजाही मींस वाटरी जो बेरी होता है बैटरी. कोटा बजाही मींस इसमें सीड बन जाते हैं, जो बेरी होता है बनाना के फ्रूट को बेरी बोलते हैं. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बनाना के फ्रूट को बेरी बोलते हैं. तो उसमें कोटा बजाही, कोटा में सीड, दिस ये शायद साउथ इंडियन वर्ड है. थ्रोट चॉक इज इंग्लिश वर्ड, जिसमें जिसके बेसल्स है उनमें वो चौक हो जाती है, उसको थ्रोट चॉक बोलते हैं. विच फ्रूट इज कॉल्ड एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना. तो दोस्तों कीवी इज द मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, याद रखिए. इसका ओरिजिन कहां पर है, कीवी इज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना. फ्रूट मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग. तो दोस्तों गावा इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग. बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेली कौन से फ्रूट से बनाई जाती है. और दोस्तों इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है, जो गावा टाइट होता है और पका हुआ होगा, फर्म एंड राइप, उसी को सिलेक्ट करते हैं. अगर ओवर राइप हो गया तो उसको यूज नहीं करते और कच्चे फल को भी यूज में नहीं कर सकते. मैंगो का जाम, जेली, चटनी, पिकल और मैंगो अमचूर बनाया जाता है. बनाना का
बनाना चिप्स और कलरी पर्पस के लिए, टेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, सिट्रस को मार्बल डेस्क बनाने के लिए यूज करते हैं, मोटी पर स्टेम ऑफ बनाना इज कॉल्ड एज राइजोम। तो दोस्तों ये राइजोम से जो सकर्स निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट सकर एंड वाटर सकर। जो शॉर्ट सकर्स होते हैं उनकी नैरो लीव्स होती हैं और इनका जो बेस स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि वाटर सकर्स जो होते हैं उनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, उनका जो स्टेम जो होता है वो मरियल और थिन होता है, इसीलिए इस वाटर सकर को कभी भी प्रोपेगेशन के लिए यूज नहीं करते। तो दोस्तों जो शॉर्ट सकर होता है इसको प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं। फुलेन फुलेन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, इन सब में से कौन सी ड्वार्फ वैरायटी है मैंगो की? तो अमरपाली इज द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। दोस्तों अल्फांसो के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, द सेरीज इज अ फेमस वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड लगराइज इज अ फेमस वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, दोस्तों अगर कोई एग्रीकल्चर के बारे में पूछना चाहता है कि उसके प्राइमरी रिसोर्स कौन से हैं, तो लैंड एयर एंड वाटर इज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड दीज आर द सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अ रेनी डे कॉल्ड व्हेन द रेनफॉल रिसीव इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितनी बरसात हो जाए कि हम उसको रेनी डे बोले? तो दोस्तों 2.5 mm से जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब तो उसको रेनी डे बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्टर ऑफ ओनियन गार्लिक रिसर्च ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पुणे में है, बहुत जगह में बहुत सारी बुकों में ये नासिक दिया हुआ है, अगर पुणे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप नासिक लगाएं। शिमला, शिमला में क्या है? शिमला में पोटैटो का सेंटर है, दिल्ली में अपना प्लास्टिक कल्चर का है, IRI है, ICR है, NPGR है, सॉरी NPGR दोस्तों लखनऊ में है, बट बहुत सारे जो आईसर के सेंटर हैं वो दोस्तों हमारे IRI के आईसर के कैंपस में है। सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों काजरी जोधपुर में है, नागपुर में ग्रेप्स का और ओनियन गार्लिक का है, बीकानेर में एरिड हॉर्टिकल्चर का है, पुणे में, सॉरी दोस्तों नागपुर में हमारा संतरे का है, क्योंकि तो पुणे में ग्रेप एंड ओनियन गार्लिक का है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज स्टार्टेड इन, दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2004 और 2005 में शुरू हुआ था, इसकी एग्जैक्ट ईयर 5 मानते हैं, तो ये इसका ऑप्शन आप चूज करना डी। नेशनल सेंटर फॉर लीची इज लोकेटेड एट, दोस्तों लीची का मुजफ्फरपुर है, ये बिहार के अंदर आता है, सोलापुर में पोमग्रेनेट का है, बेंगलोर में IIHR है, IIHR मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भोपाल में सॉयल एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट का है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों ये सीफेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? लुधियाना है। दोस्तों देखो पुणे में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पुणे में ग्रेप्स एंड ओनियन गार्लिक का है, हरियाणा गुड़गांव में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। इंटरनेशनल पोटेटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? तो पेरू में है। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पेरू में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जितने भी दोस्तों AICVIP जो चालू किए गए थे वो सभी लगभग 1971 में शुरू गए थे, तो अगर किसी के बारे में पूछते हो दोस्तों 1971 आंसर लगाना, इसको याद रखना, ये वेजिटेबल के नहीं किसी और के बारे में भी पूछ सकते हो। तो जिस सभी AICRP प्रोजेक्ट जो हुए थे ये सभी 1971 में शुरुआत किए गए थे। फर्स्ट कमर्शियल वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन 1914 एट, दोस्तों 1942 में पहली सीड प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये क्वेटा में पहले स्थापित की गई थी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू सीड पॉलिसी कब हुई थी?
1988 में। दोस्तों इसके और क्वेश्चंस जो बनते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के, नेशनल सीड एक्ट के, नेशनल सीड रूल के, वो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो दोस्तों डीएनए एडिनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, बट यूरेसिल नहीं होता है। ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, और जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है। जो जी होता है दोस्तों वो सी के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ और एडिनिन थायमिन के साथ पेयर करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के पास पेयर करता है। दोस्तों हमने चार क्वेश्चंस आपके रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में बना था, नेशनल सीड एक्ट 1966 में आया था, इन दोनों के ऊपर 3 साल का गैप है दोस्तों, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 साल का गैप है, नेशनल सीड रूल 1968 में आया था, और उसके बाद 20 साल बाद फिर न्यू सीड पॉलिसी आई। दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, 1963 में सीड कॉर्पोरेशन आया, उसमें सीड एक्ट आया 1966 में, और सीड रूल कब आया उसके 2 साल बाद, और उसके फिर 20 साल बाद न्यू सीड पॉलिसी आई। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन फिक्स पूछ जाता है और लोग उसको कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में आप पढ़ते रहिए। अगर दोस्तों अभी किसी को मेरे कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप बार बार देख के इसको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।